जय श्री राम दोस्तों, आज हम अयोध्या में एक ऐसे ऐतिहासिक और पावन स्थल पर हैं और पौराणिक स्थल पर हैं जिसे विभीषण कुंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन धरोहर को समेटे राम की नगरी में कई ऐसे प्राचीन कुंड हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। इन्हीं में से एक ये है विभीषण कुंड। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे तो उनके साथ वानर सेना समेत लंका के राजा विभीषण भी आए थे। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो वानर सेना समेत सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, विभीषण आदि लोग मौजूद रहे। राज्याभिषेक होने के बाद प्रमुख लोगों का अयोध्या में एक स्थान बनाया गया जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई, जहां विभीषण जी की भी रहने की व्यवस्था की गई थी, और इसी जगह का नाम हुआ विभीषण कुंड। हो सकता है कि युग कालांतर यानी कि युग बीत जाने के बाद यहाँ पर जो विभीषण जी का किला रहा होगा, जो महल रहा होगा, वो समय रहते ध्वस्त हो गया या जमीनों जद हो गया, या वहाँ पर उसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कराया गया यानी कि जीर्णोद्धार नहीं कराया गया। तो आज यहाँ पर सिर्फ आपको ये कुंड देखने को मिलता है और ये स्तंभ देखने को मिलता है। इस स्तंभ को रामानुजाचार्य के जो संप्रदाय के जो संत महंत हैं उन्होंने बनाया है और इस पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। जी हाँ, तो जब भी आप अयोध्या आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने कहा था कि इस विभीषण कुंड में जो भी स्नान पूजा पाठ करेगा उसे मन वांछित फल मिलेगा, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही विभीषण इस कुंड पर बैठकर पूजा अर्चना करने लगे थे और यहीं ध्यान करने लगे थे। कहा जाता है कि यहाँ वो काफ़ी समय तक रहे। तो ये है विभीषण कुंड। अभी भी राम मंदिर के साथ इसका भी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, साफ सफाई हो रही है। तो ये रामलला जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर स्थित है, कुछ ही, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हम इस वक्त ऊपर आए, हमें लगा कि यहाँ पर शायद विभीषण जी का किला हो, पर ऐसा नहीं है। ये यहाँ से ऊपर से कुंड का नज़ारा है। तो हमने इस किले में प्रवेश किया और पूछताछ की, क्या यहाँ पर विभीषण जी का कुंड है? तो उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ पर विभीषण जी का कुंड सिर्फ नीचे है, महल किला नहीं है यहाँ पर। तो अंदर इसमें, इस किले में भी एक ये हवेली नुमा छोटा सा एक किला है, इसमें भी प्रभु श्री राम की विग्रह विराजमान है। हालांकि दर्शन बंद हो चुके थे और काफ़ी खस्ता हाल और खंडर हालात में है, मतलब आप खुद देख पा रहे हैं। तो जब भी आप विभीषण कुंड जाएं तो वहाँ पे स्नान ज़रूर करें, पूजा अर्चना करें, फिर उसके बाद अगर आपका मन हो तो आप ऊपर काफ़ी चढ़ाई के बाद इस मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। काफ़ी पौराणिक और काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है ये भी। कम से कम 200 से 300 साल पुराना मंदिर है। बड़ी ही सुंदर प्रभु श्री राम की विग्रह विराजमान है माँ सीता के साथ।